अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सेहत अच्छी ठीक होगी? ये मेरे पास 2015 से 2020 तक जो गाड़ी का वायरलेस डोर लॉक सिस्टम है, की वाली जो गाड़ी है रिमोट वाली, उसका डोर लॉक सिस्टम जो है वो आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ, उसकी वायरिंग शेयर करने लगा हूँ। ये बैटरी का जो है 10 एम्पीयर का फ्यूज़ है, ECU B1 फ्यूज़ है, और ये 3A कनेक्टर पिन नंबर 43 के अंदर ये करंट जा रहा है और इससे आगे मेन बॉडी ECU के अंदर जा रहा है, ठीक है। और ये IG 7.5 एम्पीयर का फ्यूज़ है, ठीक है। ये 3G की से कनेक्टर है, उसकी पिन नंबर 37 के अंदर से होके 3C कनेक्टर पिन नंबर 51 के अंदर जा रहा है, जो बॉडी ग्राउंड के अंदर जा रहा है। ये 7.5 एम्पीयर का ACC का फ्यूज़ है और ये बॉडी ECU की 29 नंबर वायर के अंदर जा रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं। और ये बॉडी ग्राउंड है, इसका एक नंबर वायर बॉडी ग्राउंड है डोर स्विच की जो है, और दो नंबर वायर जो है ना वो आपकी 3E जो कनेक्टर है पिन नंबर 37 के अंदर बॉडी ECU के अंदर जा रही है, और इसका भी एक नंबर डोर स्विच है, क्रिस्टी स्विच है, और दो नंबर वायर जो है ना ए कनेक्टर पिन नंबर 19 के अंदर बॉडी ECU के अंदर जा रही है, बॉडी ECU का ए कनेक्टर है पिन नंबर 19। और ये बॉडी ग्राउंड है, इसकी एक लॉजिक जो लॉजिक डोर का स्विच है, और एक नंबर इसकी वायर जो है ना वो आपकी ए कनेक्टर है पिन नंबर 6 के अंदर बॉडी ECU के ए कनेक्टर के अंदर 6 नंबर पिन के अंदर जा रही है। इसके भी ये रियर लेफ्ट जो डोर है, पिछले जो डोर है क्रिस्टी डोर है, उसकी एक वायर जो है ना ए कनेक्टर पिन नंबर 24 बॉडी ECU के ए कनेक्टर के अंदर जा रही है। ये 3E कनेक्टर है पिन नंबर 34 के अंदर, पिन नंबर 34 बॉडी ECU से होके ये आपकी लगेज कंपार्टमेंट लॉक असम्बली जो है, वो मोटर जो लगी थी 3 तार वाली, ये उसकी 2 नंबर तार के अंदर आ रही है, मोटर के 2 नंबर तार के अंदर आ रही है। और जो लगेज कंपोनेंट मोटर असम्बली है, उसकी 2 नंबर वायर जो है ना वो बॉडी ग्राउंड है, और जो लगेज मोटर जो असम्बली है उसकी एक नंबर वायर जो है ना वो आपके 3E कनेक्टर पिन नंबर 25 के अंदर जा रही है, जो बॉडी ECU का कनेक्टर है 3E कनेक्टर, और उससे आगे ये बैक डोर लॉक रिले है, ठीक है। ये रिले इसको करंट देती है, फिर वो डिग्गी ओपन होती है, ठीक है। और ये 10 एम्पीयर का फ्यूज़ है, बैक डोर रिले 12 वोल्ट का ये फ्यूज़ है, जो इससे होके रिले से होके करंट फिर पीछे वाली बैक लगेज मोटर को जाता है। और ये बैटरी 20 एम्पीयर का नंबर 3 फ्यूज़ है, 12 वोल्ट आउट 3 रिले। ये 12 वोल्ट जो ECU ये फ्यूज़ निकाल रहा है, ये जो ये डोर लॉक अनलॉक की जो 3 रिले हैं उनको ये 1x1 सप्लाई दे रहा है। ये पहली को दे रहा था, ये अभी बैक डोर लॉक रिले दूसरी को भी मेन सप्लाई दे रहा है करंट की, और बैक रिले अनलॉक को भी ये सप्लाई दे रहा है, ठीक है। और ये ऊपर बॉडी ECU का पिन है, ठीक है। ये ऊपर दूसरा भी चेक कर सकते हैं, ये बॉडी ECU के अंदर जो प्रिंट है उसकी पिन है, और ये बैक डोर रिले जो है ना, ये जो है ना ये आपकी लॉक अनलॉक रिले को आपके ऑपरेट करवाती है, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये दो रिले लॉक अनलॉक ही हैं, ये बैक डोर रिले वाली जो है ना लॉक अनलॉक रिले को ऑपरेट करवाती है, रिमोट के साथ जब लॉक अनलॉक करते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, लॉक अनलॉक दोनों रिले हैं, ठीक है। और ये 3 बॉडी ग्राउंड है भाई, ये 3 बॉडी ग्राउंड 3D कनेक्टर है बॉडी ECU का पिन नंबर 12, और 3G कनेक्टर है पिन नंबर 9, ये तीनों जो है ना बॉडी ग्राउंड है, ठीक है। ये 3G कनेक्टर और 3 दूसरा, ये फ्रंट डोर असम्बली राइट हैंड है, ठीक है। इसकी 8 नंबर तार जो है ना वो बॉडी ग्राउंड है, ये आप चेक कर सकते हैं, और उसकी 7 नंबर तार जो है ना वो बॉडी मेन बॉडी ECU इनका सिग्नल है, ये उसको सिग्नल देता है। ये ए कनेक्टर है पिन नंबर 18 है, बॉडी ECU के ए कनेक्टर है पिन नंबर 18 है, और अनलॉक ये स्विच है, ये ताले के अंदर लगा होता है, जो लॉक होता है उसके अंदर लगा होता है, मोटर भी उसके अंदर लगी होती है। ये इसकी 1 जो पिन, इस मोटर की 1 नंबर पिन है वो
और वो जो है अनलॉक वाली है, और 4 नंबर जो पिन है लॉक वाली है सिग्नल बॉडी सी यू इसको कनेक्टर देता है सिग्नल। 3C कनेक्टर है, दोनों 3C कनेक्टर है उसकी। 1 और 14 नंबर पिन है, अनलॉक रिले है ये। ये फ्रंट डोर लॉक असेंबली लेफ्ट हैंड है। इसकी 1 और 4 नंबर पिन जो है ना वो 3C बॉडी सी यू का कनेक्टर है, उसकी 13 और 4 नंबर तार के अंदर जा रही है, ठीक है। 3C कनेक्टर 13 और 4 के अंदर जो रिले इसको लॉक अनलॉक रिले के साथ कनेक्शन हुआ होगा। ये चारों डोर का इसी तरह ही होगा। और ये रियर डोर लॉक असेंबली है राइट हैंड, पिन नंबर 1 और 4 जो है ना ये भी लॉक अनलॉक रिले के साथ टच हुई हुई हैं। 3E कनेक्टर है, पिन नंबर 1 और 9 नंबर जो है ना ये आपकी रिले लॉक अनलॉक रिले के साथ अटैच है दोनों वायर। और रियर डोर लॉक असेंबली लेफ्ट हैंड, पिन नंबर 1 और 4 ये भी आपकी 3E कनेक्टर, पिन नंबर 2 और 8 जो है ना ये वो भी लॉक अनलॉक रिले के साथ अटैच हुई है। ये हर दरवाज़े की जो मोटर है वो इन रिले के साथ अटैच हुई है। और ये अनलॉक स्विच है जो इग्निशन स्विच के ऊपर लगा होता है, उसकी 2 नंबर तार के अंदर मेन बॉडी ग्राउंड होगा, ये वार्निंग स्विच होता है। और 1 नंबर तार जो है ना एक कनेक्टर है बॉडी सी यू का, 17 नंबर पिन है। और ये वायरलेस डोर लॉक रिसीवर असम्बली है, इसकी पिन 1 नंबर जो पिन है वो बॉडी ग्राउंड है जो रिमोट के रिसीवर लगा होता है वो वाला है। और पिन नंबर 2 सिग्नल टू बॉडी कनेक्टर ए, पिन नंबर 16 को है, ए कनेक्टर है बॉडी सी यू का कनेक्टर है, उसकी 16 नंबर पिन के अंदर है। और पिन नंबर 3 सिग्नल टू बॉडी सी यू ए कनेक्टर है बॉडी सी यू का, पिन नंबर 4 के अंदर ये वायर जा रही है, ये आप चेक कर सकते हैं। और पिन नंबर 5 ECU-B फ्यूज, इसका ECU-B का जो फ्यूज़ का करंट है बाहर फ्यूज़ बॉक्स के अंदर लगा होता है वो 5 नंबर पिन के अंदर उसका करंट आ रहा है ECU-B का, 10 एम्पीयर का जो फ्यूज़ लगा हुआ है बाहर फ्यूज़ बॉक्स। ये बॉडी ECU-A कनेक्टर पिन नंबर 13 और 14 जो है ये केन हाई और केन लो की है। और बॉडी ECU-3A कनेक्टर पिन नंबर 45 हारन सिग्नल रिले, ये हारन सिग्नल रिले को सिग्नल देता है बॉडी ECU। और हारन रिले की जो 1 और 2 नंबर 1 और 3 नंबर वायर है वो उसका जो है ना फ्यूज़ बॉक्स के फ्यूज़ से करंट आता है। और जो 5 नंबर रिले का पॉइंट है वो आपका 2 हारन रिले असम्बली को आउट करंट देता है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये 2 हारन है, ये जो हारन को सप्लाई रिले से होके जाती है। ये 3C कनेक्टर असम्बली है, इसकी 31 नंबर पिन आप इस कनेक्टर के अंदर चेक कर सकते हैं। ये कनेक्टर है इसकी आप, ये 3A 43 नंबर पिन है, 3A कनेक्टर है और इसकी 43 नंबर आप इसके कनेक्टर के अंदर चेक कर सकते हैं। इसको रीडिंग करने का आसान तरीका है, ये सामने इसलिए पिक्चर दी गई है। ये 3E कनेक्टर असम्बली है, इसकी 37 नंबर पिन है, ये 3E कनेक्टर है इसकी 37 नंबर पिन, आराम से सुकून से रीड कर सकते हैं। ये A कनेक्टर है बॉडी ECU का, उसकी 19 नंबर पिन आप चेक करेंगे बॉडी ECU का, और उसकी 19 नंबर पिन है। ये जो बॉडी ECU अंदर फ्यूज़ बॉक्स है उसके नीचे से जो 2 ग्रिप लगे होते हैं पीछे छोटा ब्लैक कलर का ECU लगा होता है। ये 3D कनेक्टर है, उसकी 12 नंबर पिन आप इधर से रीड कर चेक कर सकते हैं 12 नंबर पिन। और ये लग्जिक कंपोनेंट असेंबली कनेक्टर है, ये मोटर का जो कनेक्टर है और ये उसका कनेक्टर है, इसका आप रीडिंग इस तरह चेक कर सकते हैं ब्लैक कलर का। ये फ्रंट डोर असेंबली का कनेक्टर है, ठीक है, और उसके ये आप चेक कर सकते हैं H8 वाइट कलर का ग्रिप है 10 तारों वाला। और ये डोर रिसीवर असेंबली कनेक्टर है, ये असेंबली है
और इसका ये पांच वायरों वाला वाइट कलर का L45 ग्रिप है, कनेक्टर है।